हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये कल की शॉपिंग है। कल मैं नर्सरी गई थी तो ये सब मैंने ख़रीदा है, तो चलिए वो आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट मैं आपको अडेनियम का दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है ये। और मेरे पास एक भी अडेनियम नहीं है फ्रेंड्स, मैंने 5-6 ख़रीदा और सब के सब ख़राब हो गए हैं। तो ये पॉट में उन्होंने दिया है, तो चलिए हम बता देते हैं कि ये उन्होंने 150 बताया था और दिया है 120 में। फ्रेंड्स, तो काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है और पॉट में भी है। फ्रेंड्स, पॉट में लगा हुआ है, तो इसे हम इस बार इसी में भी रहने देंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, तो पहला प्लांट हमारा ये अडेनियम का है, 120 रुपये में। अगला प्लांट हमारा फ्रेंड्स ये देखिए पीस लिली का है, और अब पीस लिली में फ्लावरिंग होने लगा है। मेरे पास पहले से भी है, एक प्लांट लिया था तो उससे दो बनाया है अभी, तो उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, वो भी मैं अभी आपसे दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स ये देखिए एक बेबी प्लांट भी निकला है। तो इसमें बेबी प्लांट निकलता रहता है, तो डिवाइड करके आप एक से हज़ारों बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितने में दिया था उन्होंने। तो इस टाइप का प्लांट लीजिए आप, एक से डिवाइड करके ढेर सारा बनाते रहें, थोड़ा सा महंगे ज़रूर मिलते हैं। ये भी महंगा ही मिला है पर याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो दूसरा प्लांट हमारा ये पीस लिली का प्लांट है। जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि पीस लिली तो बहुत ही शुभ और ब्यूटीफुल ये प्लांट होता है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ज़रूर बाय करें। अगला हमारा ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल बेबी डॉल ड्रेसिना प्लांट है। तो मैंने एक इसे लिया है, और इसका भी प्राइस क्या बताया उन्होंने मैं भूल गई हूँ। तो ये भी काफ़ी हेल्दी है, तो ये भी एक से आप कई बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये ड्रेसिना का बेबी डॉल ड्रेसिना है। अगला प्लांट हमारा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये गुड़हल का है, ये देसी गुड़हल ऑरेंज कलर का है। तो ये देखिए, तो ये उन्होंने 30 रुपये में दिया है फ्रेंड्स। तो इस नर्सरी में प्लांट बहुत ही सस्ते मिलते हैं, और मैं पहली बार गई थी, मुझे कई लोगों ने बताया था कि यहाँ आप जाइए सस्ता प्लांट मिलता है, तो मैं यहाँ पे चली गई थी फ्रेंड्स। अगला प्लांट हमारा ये कोचिया का है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। मैं 6 कोचिया लेके आई हूँ और ये 5 रुपये का एक कोचिया मिला है फ्रेंड्स। दूसरे नर्सरी में ये 15-20 रुपये मिलता है, तो ये 6 कोचिया मैंने लिया है 5-5 रुपये का फ्रेंड्स। तो 30 रुपये का ये कोचिया हमें मिला है। अगला हमारा ये देखिए रोज का ये छोटा सा प्लांट है, तो ये उन्होंने 10 रुपये में दिया है फ्रेंड्स। तो ठीक है, इसको भी लगा लेंगे। और अगला हमारा ये देखिए ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट, ये सफेरा ऐसे करके कुछ नाम है इसका फ्रेंड्स। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, और मैंने लिया था, ख़राब हो गया था, तो एक मैंने ये लिया, ये भी महंगा मिला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो कल मैं गई थी तो यही सब लेके आई हूँ फ्रेंड्स। अगला हमारा प्लांट्स फ्रेंड्स ये देखिए फॉक्सटेल फर्न है। इसका मेरे पास एस्पैरिगस फर्न भी है और ये फॉक्सटेल है, तो फॉक्सटेल फर्न भी मेरे पास था। ये देखिए फॉक्स के तरह इसके टेल हैं, इसलिए इसका नाम फॉक्सटेल फर्न है। तो एक मैंने ये भी लिया है, तो ये भी पता नहीं कितने का दिए, मैं भूल रही हूँ। अगला हमारा फ्रेंड्स ये है, आप देख सकते हैं मोगरे का। आप देख सकते हैं गर्मियों का सबसे ब्यूटीफुल प्लांट है ये देख सकते हैं मोगरा, कितना कली है इसमें। तो ये भी पता नहीं कितने में दिया है फ्रेंड्स। और एक और ये रोज का है, आप देख सकते हैं ये भी 10 रुपये का है। अगला ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास आयुर्वेदिक चाय का ये प्लांट है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एक हमने ये लिया है फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स हमारा ये एक टिकोमा है, आप देख सकते हैं ये भी पता नहीं कितने में मिला है, तो एक मैंने ये लिया है फ्रेंड्स। टिकोमा का प्लांट है, आप देख सकते हैं। तो इतने सारे प्लांट की मैंने शॉपिंग किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये लेमन ग्रास को भी ज़रूर ले लीजिए, आयुर्वेदिक प्लांट है ये, और इसमें ये चाय में डालने से बहुत ही टेस्ट इसका आता है,
और एक से हज़ारों ये भी प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। तो इतना मैंने शॉपिंग किया है फ्रेंड्स, और सारे के सारे ही कुछ ही परमानेंट नहीं है, जैसे कुछ या परमानेंट नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सभी परमानेंट प्लांट्स हैं इसमें, जितने भी हैं कुछिया को छोड़ के। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फॉक्सटेल फर्न भी परमानेंट है, मोगरा परमानेंट ही है, और लेमन ग्रास परमानेंट ही है, और अडेनियम परमानेंट ही है, और ये गुड़हल भी परमानेंट ही है आप देख सकते हैं, और टिकोमा भी परमानेंट है, पीस लिली भी परमानेंट है, और ये बेबी डॉल ड्रेसिना प्लांट भी परमानेंट है, इंडोर प्लांट है ये सब, ये सभी इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, फॉक्सटेल, ये बेबी डॉल और ये पीस लिली, ये सब सारे इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। तो मैं इतने सारे प्लांट की मैंने शॉपिंग किया इस नवरात्रि में फ्रेंड्स। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं नवरात्रि में जाऊंगी और प्लांट्स की शॉपिंग ज़रूर करूंगी, और कुछ प्लांट्स को मैंने और देखा था फ्रेंड्स, मैं ले नहीं आ पाई, तो मैं फिर जाऊंगी तो लेके आऊंगी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा, महंगा पड़ा है कि सस्ता। और मैं बता दूँ अब पूरे की प्राइस, तो पूरा इतना प्लांट मुझे 500 रुपये में पड़ा है फ्रेंड्स, और एक मैंने अभी दिखा रही हूँ तो 60 रुपये उन्होंने, 550 हुआ था तो 60 रुपये उन्होंने छोड़ दिया था, और सस्ता भी प्लांट काफ़ी मिला है, और एक मिली बग की दवा उन्होंने दिया और उसका पैसा नहीं लिया और 30 रुपये और छोड़ा था फ्रेंड्स, तो वही 60 रुपये उन्होंने छोड़ा है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। तो 500 में इतना प्लांट फ्रेंड्स मुझे तो सस्ता ही लग रहा है, बाकी नर्सरी में तो फ्रेंड्स इतने का 1000 ले लेते। तो अब मैं शाम को रिपोर्टिंग करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि शाम के समय ही रिपोर्टिंग इस समय करना चाहिए किसी भी प्लांट की। और कई दोस्त हमारे बोलते हैं कि शॉपिंग करने के बाद इसको अपने गार्डन में कई दिन तक रखिए झुंड में, ताकि ये अच्छे से मिलजुल जाए, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं तो बस लाती हूँ और कभी कभी तो उसी दिन ही लगा देती हूँ, पर आज मैंने इसको रात भर के लिए रख दिया था क्योंकि मैं थक गई थी, तो आज मैं शाम को ज़रूर लगाऊंगी। और मुझे पॉट भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स इन सब के लिए, कि किस में किसको लगाना है फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी तो ये रहता है कि किस पॉट में किस प्लांट को लगाना है, सबसे मेन बात यही रहता है फ्रेंड्स। प्लांट तो हम ले आते हैं, पर हमें ये डिसाइड करना रहता है कि कौन से प्लांट किस पॉट के लिए सही रहता है फ्रेंड्स, किसी में भी किसी प्लांट को हम नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स, किस प्लांट को कितने इंच का पॉट देना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम रहता है सोचने का। तो अडेनियम को तो फ्रेंड्स मैं अभी इसी में ही रहने दूंगी, और बाकी की मैं रिपोर्टिंग कर लूँगी फ्रेंड्स, और वो भी आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो नवरात्रि की आज 8वां दिन है, अष्टमी का दिन है, तो देखिए इतने सारे प्लांट की मैंने शॉपिंग किया है। तो आप भी अगर नवरात्रि में शॉपिंग नहीं किए हैं तो जाके कुछ प्लांट की शॉपिंग ज़रूर कर लीजिए। गुड़हल का प्लांट तो बहुत शुभ होता है, देवी माँ को बहुत पसंद है, तो नवरात्रि में आप ज़रूर लेके आएँ सभी प्लांट को, सभी प्लांट शुभ होते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो शुभ नहीं होता है और लकी नहीं होता है। तो मैं पान का प्लांट भी लेने गई थी फ्रेंड्स, लेकिन वो नहीं मिला, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में लेके आऊँगी, पान का प्लांट मेरा ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। तो आज फास्ट भी है फ्रेंड्स, तो चल रही हूँ अब, नहाना धोना भी है, पूजा पाठ भी करना है फ्रेंड्स, तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो हम शॉपिंग की बना देते हैं, कि आप भी जाके अगर यहाँ से हैं जौनपुर से तो लेके आइए, मंजरी नर्सरी है नाम नर्सरी का, तो वहाँ पे बहुत ही सस्ते प्लांट मिलते हैं फ्रेंड्स, तो लेके आइए और ढेर सारे लगा लीजिए। और मैं अपना इंडोर प्लांट्स को यहाँ रखूँगी फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही सभी प्लांट्स को नहला धुला दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने सभी प्लांट्स को यहाँ पे ही रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, यानी बेल आइकन को प्रेस करना रहता है फ्रेंड्स, तो उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।